बसमरिम असलम डर स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर सिद्वान आप सबको फ़ैकल्टी ऑफ़ एजुकेशन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स करिकुलम इंस्ट्रक्शन कोड एट सिक्स डबल फाइव में खुशामदेद कहती हूँ आज का हमारा टॉपिक जो है वह है करिकलम डिज़ाइन के बारे में जो आपकी किताब का यूनिट नंबर थ्री है और इस पर बात करने के लिए हमने आज मद़ किया है अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर अफशाह हमा को जिनका तल्लु फैकल्टी ऑफ एजुकेशना इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है मैडम हम आपके ममनून हैं कि आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालती हैं और आज भी आप हमारी तलबा की रहनुमाई के लिए आईं तो वेलकम वी वेलकम यू मैडम टू द शो थैंक यू मैडम हमने इससे पहला जो हमारा यूनिट था जिसमें आप तशरीफ़ लाएं और आपने हमारे तलबा को करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया तो आज उनके जहनी तसलसल को बरकरार रखते हुए थोड़ा सा करिकुलम को टच करें और फिर हम करिकुलम डिज़ाइन की तरफ जाएँगे हमने जैसे उस दिन बात की थी करिकुलम बेसिकली एक प्लान है आ, और ये प्लान अपने अंदर इंक्लूड करता है तमाम तरह की एक्टिविटीज़ तमाम रिसोर्स तमाम मटेरियल्स और इवेल्यूशन प्रोसेस को भी यानी कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल पर आ, उसको क्या पढ़ाया जाएगा या जिसको हम नसाबिया सिलेबस कहते थे सिलेबस क्या होगा कंटेंट्स क्या होंगे उसको पढ़ाने के लिए कौन कौन से मल्टीपल रिसोर्स यूज़ होंगे स्टूडेंट्स के डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसिस क्या होंगे और फिर आ, उनकी फाइनल एवेल्यूशन किस तरह की जाएगी ये तमाम चीज़ें करिकुलम का हिस्सा है अच्छा मैम करिकुलम तो आपने जिस तरह फरमाया वो एक होलिस्टिक अप्रोच होगी एक बड़ी चीज़ है ठीक है तो क्या करिकुलम एक ही तरह का होता है दुनिया में करिकुलम के मुख्तफ डिज़ाइनज हैं जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ करिकुलम डिज़ाइन अब अगर हम करिकुलम डिज़ाइन को समझने की कोशिश करें तो ये क्या होता है ये जितनी चीज़ों के मैंने नाम लिए यानी कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, लर्निंग रिसोर्स एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंसेस, ये तमाम चीज़ें एक ख़ास तरतीब से जब रखी जाएँगी तो उसको हम करिकुलम डिज़ाइन कहते हैं यानी कि ये एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स है किस बुनियाद पे डिज़ाइन बदलता जाएगा वो हैं आपके जो मेजर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं वो आपको गाइड करते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इसकी तरतीब कैसे बदलेगी या इसकी शक्ल कैसे बदलेगी तो टाइप एंड फॉर्म दोनों इकट्ठे होकर करिकुलम डिज़ाइन कहलाते हैं ठीक हो गया तो हमेशा रहनुमाई जो करता है वो हमेशा गोल्स होते हैं और फिर उन्हीं को उन्हीं को रख के नज़र में हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स हमें बताते हैं कि कौन सा डिज़ाइन किया जाएगा तो मैडम फिर इस तरह तो ऑब्जेक्टिव्स जब डिफ़र करेंगे तो डिज़ाइन भी डिफरेंट होंगे तो फिर कितने किस्म के डिज़ाइन होंगे Um, हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देखते हैं डिज़ाइन um, बदलता रहा है या डिज़ाइन के तरीके बदलते रहे हैं विद डिफरेंट अप्रोचेज टू करिकुलम या हम ये कह सकते हैं डिफरेंट अप्रोचेज़ टू एजुकेशन ठीक है एजुकेशन um, का और साइकोलॉजी का um, बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में हुँ. जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर्स या ह्यूमन लर्निंग पर्टिकुलरली रिसर्च हो रही थी वैसे वैसे हमारे एजुकेशन के तमाम प्रोसीजर्स बदलते जा रहे थे इनिशियली okay. अगर हम देखें तो जो सबसे पहली अप्रोच थी वो बिहेवियरिज्म कहलाती है hmm. बिहेवियरिज्म का मतलब ये है कि टीचर मेन एक्टर होगा hmm. और टीचर मेन सोर्स ऑफ नॉलेज होगा ठीक है स्टूडेंट्स ने उसको देख के सीखना है hmm. और उसको देख के सॉर्ट ऑफ इमिटेट करना है hmm. तो ये बिल्कुल एक ट्रेनिंग मॉडल की तरह चलता hmm. है यानी टीचर करके दिखाएगा और बच्चे एग्जैक्टली वही चीज करेंगे ये बिहेवियरिज्म अप्रोच थी तो इसमें जो डिजाइन बनता था करिकुलम का वो टीचर सेंटर hmm. बनता था। उसके बाद आ जाता है ज्यादातर लेट नाइनटीन सेंचुरी और अर्ली ट्वेंटी में काग्नेटिविज्म पे बहुत साइकोलॉजिस्ट ने काम किया अब इसमें जो साइकोलॉजिस्ट और जो एजुकेशनिस्ट काम कर रहे थे वो ये बता रहे थे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कैसे करता है अब ये मेंटल प्रोसेसेस है ना सारी सेंसेशन से लेके परसेप्शन यानी उसका माइंड उसको मीनिंग कैसे देता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे बैठता है फिर उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन करने के क्या प्रोसीजर्स होंगे कॉगनेटिविज्म ने वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच से हटके जो कॉन्टेंट रिसीव हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस किया तो जो करिकुलम के अप्रोच और डिज़ाइन बदले वो ज़्यादा कॉन्टेंट सेंटर्ड हो गए ठीक हो गए हमने कौन से कंटेंट को किस तरह से रिसीव करवाना है और कैसे रिटेन करवाना है तो इसमें ज़्यादा फोकस मेमोरी रिटेंशन पे चला गया बच्चों ने याद कैसे रखना है और उस कंटेंट को रिटेन कैसे करना है ठीक है थर्ड अप्रोच जो आती है जो शुरू हो गई थी मिड ट्वेंटी सेंचुरी में लेकिन बाय द सेकंड हाफ ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी ये ज़्यादा uh, इलाकों में ज़्यादा स्कूल्स uh, में हमें अप्रोच नजर आती है और वो थी कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म hmm. ने uh, क्योंकि बेस किया था अपने आप को सोशल लर्निंग थेरी के ऊपर सोशल लर्निंग थेरी ये कहती थी कि स्टूडेंट विल कंस्ट्रक्ट द नॉलेज एज ही और शी द वर्ल्ड। तो फिर कंस्ट्रक्टिविज्म में चाइल्ड सेंटर या स्टूडेंट सेंटर डिजाइन बनना शुरू हो गए ये तीन मेजर अप्रोचेज हैं जिनके साथ साथ करिकुलम डिजाइन बदलते गए ठीक है तो ये तो हमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो खुद भी स्कूलों से पढ़े हुए आज इस लेवल पे हैं तो वो बड़ा अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं कि हम जिस सिस्टम से निकल रहे हैं और हम जिस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं उसमें ये तीनों चीजें हमने एक्सपीरियंस की हैं नजर आती हैं ठीक है बिल्कुल क्योंकि अब ये जो है ना स्टूडेंट सेंटर्ड ये ज्यादातर हम अपने आने वाले इस को पढ़ा रहे हैं कि अपने से और किताब से फोकस हटाएं और बच्चे बच्चे पे फोकस, पे फोकस, बच्चे करें, फोकस करें क्योंकि करें ये करें सारा निजाम उस बच्चे के लिए exactly. बनाया गया है exactly. exactly. अच्छा मैम यहाँ तो हमने तीनों चीजों को बड़ा एक लाइन में और hmm. आपने बड़ी अच्छी तरह हमें बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म भी समझा दिया जो कि hmm. अभी हमारे तलबा के लिए ज्यादा थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है फिलोसॉफिकल है तो ये उनको नॉलेज है इस चीज़ का उन्होंने पढ़ा है लेकिन अब साथ साथ उसको रिलेट जो आपने किया वो बहुत अच्छा था अच्छा मैम थोड़ा सा ना इन डिजाइन को अलग अलग करके भी बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ हमें टीचर सेंटर्ड करिकुलम के बारे में बताएंगे टीचर सेंटर्ड करिकुलम मुझे ऐसे लगता है मेरी ज़ाती राय में कि जब से एजुकेशन प्रोसेस शुरू हुआ था तो वो टीचर hmm. सेंटर्ड था आप देखें इब्तदाई दौर में जब हम देखते हैं ना पुराने स्कॉलर्स की वो पढ़ते हैं कि hmm. लोग उनके पास जाते थे hmm. उनसे इलम हासिल करते थे इसका मतलब है कि एक शख्स को अथॉरिटी hmm. माना जाता था hmm. ओवर द नॉलेज बिल्कुल ठीक है उसके पास नॉलेज है इसलिए वो अरेंज करेगा hmm. उस नॉलेज को फॉर हिज और हर स्टूडेंट्स तो मेजर अथॉरिटी वो रिटेन कर रहा hmm. है ठीक है देन वो क्या कर रहा है वो कंटेंट सिलेक्शन भी कर रहा है hmm. और कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी कर रहा hmm. है वो फैसला कर रहा है कि आज क्या दिया जाए hmm. क्या पढ़ाया जाए किस बात पर डिस्कशन की जाए सो इट इट ऑल बिगनस विद द टीचर टीचर ठीक है उसके बाद एक्टिव पार्ट वो प्ले करता है ये जो लव्ज एक्टिव पार्ट है ना इसको अनपैक करना बड़ा जरूरी hmm. है Um, हम थोड़ा फॉर्मल uh, एजुकेशन में इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि टीचर क्लास में आता है hmm. और वो कहता है बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे सो द टीचर इज ऑलरेडी एक्टिव राइट उसके बाद वो बोर्ड पे लिखता है hmm. उसके बाद वो सवाल पूछता है उसके बाद वो आपको बताता है कि आप ये करें आप ये करें सो so, मीन्स के जो मेजर एक्टिव रोल है वो टीचर का है और बच्चे उसको फॉलो कर, कर रहे हैं, हैं, okay. तो बच्चे बच्चे मेन एक्टर नहीं है। बच्चे उसके साथ साथ आगे पीछे हो रहे फिर टीचर ही ये जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच अगर उसकी प्योर फॉर्म में देखी जाए तो जो प्लानिंग है वो गोल्स ऑब्जेक्टिव तक जाती है और उसके बाद टीचर्स आर गिवन अथॉरिटी टू सेलेक्ट कॉन्टेक्ट ओके जो आज के दौर में भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच बहुत सारी जगहों पे होती है और हायर एजुकेशन में अगर आप पर सोचें तो हमारे लिए ये ये बड़ा एग्जाम्पलरी एक, एक चीज़ है कि हाँ हमारे पास एक कोर्स आउटलाइन आ जाती है गोल्स ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं देन ये हमारी अथॉरिटी है कि हम कॉन्टेंट क्लास में क्या लेके जा रहे हैं राइट उसके बाद स्टूडेंट्स um, का मेन रोल जो इसमें रहता था वो ये रहता था कि वट आई एम डूइंग इन द क्लास एज अ टीचर और वट एवर आई एम टेलिंग देम टू डू उन्होंने बस वो फॉलो कर hmm. और आखिर में इवेल्यूएशन किस चीज़ की होनी है वो जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे दैट्स सो दिस इज योर टीचर डिजाइन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसकी स्ट्रेंग नहीं hmm. है बच्चे एक बड़े अच्छे फॉर्मेट के ऊपर चल रहे होते हैं लर्निंग एक बड़े अच्छे सीक्वेंस hmm. के ऊपर चल रही होती है और एट द एंड ऑफ द डे एक बड़ी क्लैरिटी hmm. से एक सेवेलुएशन सामने आ जाती है कैसा कि ऑब्जेक्टिव्स के हद तक अचीव हो गए और मेरे ख्याल से हम सब बड़े भी इसी, इसी मॉडल के साथ इसी, हुए इसी और आपने देखा है कि बच्चे कितने वो स्ट्रॉगली uh, बिलीव करते हैं कि exactly. अगर कोई किताब में गलती hmm. भी हो काम में तो माँ hmm. कहे कि बेटा ये कुछ गलत था अपनी मिस को नहीं मेरी मिस तो गलत है टीचर, कह रही टीचर ने ऐसे कहा और टीचर कभी गलत हाँ। नहीं होता और टीचर वो इतना ज्यादा टीचर पे इन करते हैं exactly. और फिर जिस तरह आपने फरमाया कि इमिटेट करते हैं जिस तरह exactly. टीचर करता है वही करते हैं तो इससे तो मैडम अगर टीचर सेंटर्ड अप्रोच इस तरह स्टूडेंट तो फिर वो इसीलिए तो कहते हैं कि आप वैसे पढ़ाते हैं जैसे आपको पढ़ाया गया exactly. होता है। आप रेप्लिका बनते जाते हैं टीचर्स के। क्योंकि वो अप्रोच ही ऐसी है जिसके अंदर आप पले बड़े हैं तो आपने वही चीज लेनी अच्छा चलें ये तो हो गई टीचर अब जिस तरह आपने फरमाया कि इसमें टीचर कॉन्टेंट खुद सिलेक्ट करता है फिर आगे आपने कोग्नेटिविज्म के साथ बताई कॉन्टेंट सेंटर्ड अप्रोच तो जब टीचर खुद कंटेंट सेलेक्ट करता है और कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच एक डिफरेंट है तो थोड़ा सा यहाँ वो प्याजे का बिल्कुल ठीक है प्याजे ने एज वाइज ये डिटरमिन करके दिया कि बच्चा क्या सीखने के काबिल हो चुका है किस एज में किस एज में किस लेवल अब उन एजेस से हमने क्या किया हमने ग्रेड्स और लेवल्स बना दिया प्राइमरी स्कूलिंग के एज ग्रुप और है अर्ली चाइल्डहुड का एज ग्रुप और है सेकेंडरी मिडल का और है Uh, जब इस हद तक uh, इलम आ गया हमें कि बच्चा किस एज में क्या सीख पाएगा तो फिर ना सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स सेट होने शुरू हुए कंटेंट सिलेक्शन भी करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेज पे हो गई ठीक है अब टीचर कंटेंट सेलेक्ट नहीं कर रहा अब क्या हो रहा है कि जो कंटेंट डेवलपर्स हैं या जो करिकुलम डेवलपर्स हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कहलाते हैं आ, वो पहले से बैठ के ये तय करेंगे कि अच्छा ग्रेड वन में एट दिस एज ऑफ द चाइल्ड कौन सा कंटेंट अप्रोप्रिएट है जो बच्चे के सामने प्रेजेंट किया जाए ठीक है और किस बेस पे अप्रोप्रिएट है कि हाँ इतना कंटेंट बच्चा रिसीव करके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जा सकता है ठीक है तो फिर करिकुलम इस तरह प्लान होना शुरू हो गया और करिकुलम के डिजाइन बदलने शुरू हो गए वो कंटेंट सेंटर्ड इसलिए कहलाता है कि कंटेंट पहले से है ठीक है कंटेंट डेवलपर्स आर द अथॉरिटी अब अथॉरिटी टीचर के पास नहीं है वो जो कंटेंट डेवलपर पीछे बैठा हुआ है उसके पास अथॉरिटी है और वो सिलेक्शन करके भेज रहा है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वो शख्स है या एक टीम ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है जो इसके ऊपर डिटर्मिन करेगी उनके साथ साइकोलॉजिस्ट बाकायदा काम करते हैं टीचर कैन ओनली डिलीवर दैट अब टीचर की अथॉरिटी कम हो गई थोड़ी ना, सी हाँ जी बिल्कुल उसका एक बड़ा मैकेनिकल काम हो गया के, अच्छा मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ कॉन्टेंट आ रहा है और मुझे ये आज की तारीख में देना है बिल्कुल ठीक ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकती हूँ कि अच्छा ये लेसन आज कम्प्लीट नहीं हुआ तो मैं दो दिन पहले जाऊँ लेकिन मैं कॉन्टेंट नहीं बता बिल्कुल राइट ट इज टू बी प्रेजेंटेड एंड मेमोराइज बच्चे का क्या काम शुरू हो गया बच्चे का hmm. ज्यादा फोकस अब इस पर हो गया कि वट एवर कॉन्टेंट इज गिवन टू मी मुझे इसको मेमोराइज करना बिल्कुल और इस मेमोराइजेशन के साथ अगला स्टेप ये आएगा hmm. कि जब एवैल्युएशन होनी है तो मुझे इसको एज इट इज रिप्रोड्यूस करना बिल्कुल क्योंकि ये कॉन्टेंट बड़ा स्पेसिफिक है hmm. तो फिर अब आपको ऐसे लगेगा hmm. कि अच्छा नहीं हम टीचर सेंटर्ड के साथ साथ hmm. हम कंटेंट सेंटर्ड भी, भी रहे हैं और फिर आखिर में इवेल्यूएशन भी हमारी यही होनी hmm. है कि वो जो कंटेंट टेक्स्ट बुक में आपको दिया hmm. गया दियाट्स वाई टेक्स्ट बुक कंटेंट सेंटर्ड है बिल्कुल ठीक है कि ये कॉन्टेंट है इतने अरसे के लिए दिया जाएगा इसी को रिवाइज करवाना है इसी को रिटेन कराना है और फिर इवेल्युएशन में यही पूछा जाएगा इसको एज इट इज रिस्पॉन्ड कर बिल्कुल सो दैट्स वेरी मच कॉन्टेंट सेंटर्ड ठीक है तो फिर रोट मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी तो इसी से आया बिल्कुल जो क्यूं हमने रट्टे हाँ, लगवाना शुरू किए क्योंकि इवैल्यूएशन ही उस रट्टे पे होनी है देखो मेमोरी मॉडल तो क्या ये है बिल्कुल और अगेन जैसे मैंने कहा टीचर सेंटर्ड मॉडल की या टीचर सेंटर डिजाइन की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं इसी तरह इसकी भी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं

ये वो कंटेंट है जो बड़ा स्पेसिफाइड है और एज उसको दी जाती है और फिर टीचर के बदलने से इसकी सेहत पे कोई फर्क exactly. नहीं पड़ता तो ये यूनिफॉर्म रहता है ठीक हाँ। है और इसी इसीलिए हम एक जैसे इंडिविजुअल्स को बड़ा कर रहे हैं यूनिफॉर्मिटी के ऊपर हाँ। चल रहे हैं इसमें इसमें जो सबसे बड़ी हाँ। क्रिटिक आती है वो यही आती है कि आप एक जैसा कॉन्टेंट और फिर जो चीज यहाँ पर सबसे मिनिमाइज हो जाती है वो वो है जब हम कहते हैं मल्टीपल इसका मतलब है यहां पे मल्टीपल ऑफ नहीं है बिल्कुल ठीक है यहाँ सिंगल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज किया जा रहा है इसको कुछ ऑथर्स ने इसको रिलेट किया है ग्रेट बुक्स मॉडल के साथ के कुछ ऐसी किताबें लिखी गई दुनिया में जिनको मनोअन मान लिया गया कि बस यही, यही हकीकत है, है बिल्कुल और बहुत मुद्दतों तक जनरेशन सिर्फ उन्हीं को यकीन करती रही तो वो भी कंटेंट सेंटर्ड थे ना इसलिए फिर उसके बाहर किसी ने सोचा ही नहीं और समझने की कोशिश भी नहीं की तो वो कंटेंट स्पेसिफिक अप्रोच थी कंटेंट स्पेसिफिक डिजाइन था और बच्चे भी जो आपने कहा ना वो एक ही सोच के तहत एक ही तरह निकले तो अभी तक जिन, आ, जिस सदी की, की आपने बात की उन मिड नाइन्टीज की आपने बात की तो अभी तक तो या तो हम टीचर को इमिटेट कर रहे थे right. या जो कंटेंट हमें दे दिया गया हम उसी को फिक्स मेमोराइज हाँ। करके रिप्रोड्यूस करने exactly. के काबिल बना रहे थे exactly. बच्चे को वो शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी फिर एक ये आपने बताया कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आई exactly. जिसने कहा कि नहीं जिसके लिए ये सारी तालीम का सारा निज़ाम चल रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली exactly. जो उस क्लास में बैठा हुआ एक बच्चा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है hmm. तो फिर उसके बारे में बाकायदा एक करिकुलम डिजाइन किया गया जिसको लर्नर सेंटर्ड कहते हैं इसके ऊपर तो जरा रोशनी डालें मैम um, hmm. हुआ यह कि जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने टीचर सेंटर्ड और कंटेंट सेंटर्ड करिकुलम या एजुकेशन को जब क्रिटिक किया तो उसमें असल मसला यह था आ, हम और आप खुद भी इससे रिलेट कर सकते हैं कि जिन क्लासरूम्स में हम पढ़ रहे थे आ, मुझे ऐसे लगता है कि अगर 40 स्टूडेंट्स का क्लासरूम है तो मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स वर सपोज्ड टू गेट इट होलसमली बाकी के जो 30 बच्चे होते हैं वो एक मुख्तलिफ रेंज में कहीं ना कहीं फॉलो फॉल कर रहे कर कर होते हैं और कोई दस बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते और वो साल के शुरू से लेकर आखिर तक स्ट्रगल कर रहे हो तो वो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच थी या कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच थी उस पर क्रिटिक ये आई कि इट्स नॉट फॉर एवरी वन कुछ बच्चे तो इसको उस तरह अचीव करते हैं जैसे हम करवाना चाहते हैं लेकिन मैं हंसती होती हूँ कि हमने मोबाइल फैक्ट्री नहीं बनाई हुई कि एक दो मोबाइल खराब भी हो गए तो खैर है ठीक है उनको डिस्कार्ड कर दें दीज आर ह्यूमन बींग्स अगर ये दस साल स्कूलिंग लेके निकल गया hmm. और इसने कुछ गेन नहीं किया या बहुत मिनिमम गेन किया hmm. तो इसका मतलब है कि दैट्स अ ह्यूज वीकनेस ऑफ माय एजुकेशन बिल्कुल जब ये क्रिटिक आनी शुरू हुई तो सोशल साइकोलॉजिस्ट hmm. ने ये कहा कि आप जो गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यू आर यू आर टू मच फोकस्ड ऑन द कॉन्टेंट आप ये नहीं देख रहे कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है hmm. और उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है या उसकी इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं, या उसको किस तरह का मोड और मेथड चाहिए टू लर्न या कौन से चाहिए। um, अब जब हम 21वीं सदी में खड़े होकर इसको देखते हैं तो हमें बड़ी अच्छी तरह से यह समझ में आता है क्योंकि आज बच्चा सबसे ज्यादा विजुअल कॉन्टेंट बिल्कुल राइट right? इसका मतलब है कि टेक्स्ट बुक उतनी इफेक्टिव मटेरियल नहीं है जितना इफेक्टिव मटेरियल कोई ऑडियो सोर्स हो सकता था कोई वीडियो सोर्स हो सकता था कोई रियल लाइफ सिचुएशन हो सकती और हर बच्चे की अपनी अपनी लर्निंग स्टाइल्स और इंडिविजुअल नीड्स हैं इसमें होता क्या है कि लर्नर इज कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड बिल्कुल सो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स शेयर द अथॉरिटी यानी हर बच्चे से भी पूछा जाएगा कि वो क्या करना पसंद करता है कैसे करना पसंद करता है और फिर टीचर और स्टूडेंट मिलकर डिजाइन करेंगे सो दैट्स दैट्स लर्नर सेंटर्ड अप्रोच Um, इसमें एक मटेरियल या एक लर्निंग रिसोर्स क्लासरूम में अवेलेबल नहीं होना चाहिए ठीक हो यहाँ मल्टीपल रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए और इसमें एक जो अच्छी चीज़ ऐड हुई जो भी आपने पीछे एक बात की थी कि हम एक यूनिफॉर्म सोच के साथ एक ही कंटेंट के साथ बड़ा करने के बजाय जब हम मल्टीपल रिसोर्स क्लासरूम में रखने की बात करते हैं तो उससे ये होगा कि मुख्तलिफ सोच मुख्तलिफ राय बच्चों के सामने आनी शुरू हो जाएगी बिल्कुल और फिर वो खुद उसका एनालिसिस कर पाएंगे hmm. कि अच्छा ये ये मटेरियल मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये क्या इन्फॉर्मेशन hmm. दे रहा है ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है देन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पार्टनर इन द लर्निंग प्रोसेस एज वेल हमेशा टीचर क्लासरूम लीड नहीं करती वो ग्रुप वर्क दे देती है ठीक है और बाद दफ़ा वो बच्चों को उस दिन क्लास की लीडरशिप भी दे देती है hmm. कि आज तुम लीड करोगे hmm. और तुम बताओगे कि ये कैसे होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है वो फैसिलिटेट करती है जहाँ पर उसको लगता है कि बच्चों से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है या कुछ है। तो फिर वो उनको हेल्प करती है लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि स्टूडेंट क्लास लीड कर रहे हैं टीचर लीड नहीं कर रहा वो जो था ना कि मैं आई हूँ क्लास में और मैं नहीं बताना है टीचर स्टूडेंट कैन प्लान देयर ओन एक्टिविटीज़ एज वेल और फिर इसमें जो इवेल्यूशन प्रोसेस है उसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल एवेल्युशन प्रोसेस थ्री डायमेंशनल इस तरह से कहते हैं कि इसमें पीयर इवेलुएशन है इसमें टीचर्स टीचर्सन है और इसमें जो तीसरी डायमेंशन है जो अभी तक बहुत कम जगहों पर अडॉप्ट की गई है दैट्स पेरेंट्स अच्छा क्योंकि इस सारी गुफ्तगू में आपने देखा कि हमारे पेरेंट्स का नाम कहीं नहीं कहीं है। नहीं है डे वन से हम होमवर्क क्लास वर्क दोनों कर रहे हैं बिल्कुल तो पेरेंट्स को कभी अथॉरिटी नहीं दी गई लर्नर सेंटर्ड मॉडल में पेरेंट्स को पार्टनर किया जाता है इस तरह से बच्चा जो टेक होम एक्टिविटी लेके जाएगा बिल्कुल जैसे क्लासरूम में टीचर फैसिलिटेट कर रहा है घर पे पेरेंट्स फैसिलिटेट करेंगे और उस एक्टिविटी की ग्रेडिंग में पेरेंट्स हिस्सेदार होंगे वो बताएंगे कि मेरा बच्चा किस हद तक कर पाया था और किस हद तक मुझे हेल्प करनी पड़ी थी तो ग्रेडिंग उसके ऊपर हो रही होती है इट्स इजियर सेट देन डन बिल्कुल ये बहुत मैकेनिकल काम है और जाके बड़ी डिटेल्स में आपको पेरेंट्स को भी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं जब मैंने कहा हमने अभी तक तो इस अप्रोच को होते हुए नहीं देखा hmm. उसका एक बहुत बड़ा रीजन है hmm. ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कोई बैकवर्ड सोच की hmm. वजह से नहीं कर पा रहे हैं समथिंग ये वहाँ हो सकता है पेरेंट्स इनवॉल्वमेंट वहाँ हो सकती है जहाँ पेरेंट्स पढ़े लिखे बिल्कुल एंड पेरेंट्स नो द सब्जेक्ट एज बिल्कुल जबकि पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे और ममालिक में द बिगर चैलेंज इज़ कि हम ये ज्यूम नहीं कर सकते hmm. के घर पे माँ बाप या कोई बड़ा बहन भाई ऐसा होगा जो इस कंटेंट को समझ जाऊंगा बिल्कुल इसलिए हम उनकी बहुत मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं देखते हैं। लेकिन होना जो आइडियली स्पीकिंग थ्री डायमेंशनल इवेल्यूशन है उसमें होना ये चाहिए कि टीचर भी कराओ पीयर्स एक दूसरे को कर एवेल्यूएट करें और पेरेंट्स भी करें ठीक है तो ये अप्रोच सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है बच्चे को फोकस किया जाता है लेकिन फिर वही आपकी बात है इजियर सेड देन डन करने में ये तो ये बहुत मुश्किल है इवन के अगर कोई टीचर बड़ा क्रिएटिव है बड़ा डेमोक्रेटिक है वो क्लास को लीडरशिप भी दे देता है तो वो जो हमारा एक सिस्टम है 45 मिनट्स लेसन देन यू हैव टू कंप्लीट द कंटेंट और फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर आपका ये कोर्स खत्म होना चाहिए क्योंकि फिर वही कंटेंट सेंटर तो चल रहा है हर ग्रेड को तो हमने दे दिया ये पढ़ोगे तो अगले ग्रेड में जाओगे exactly. फिर तो ये बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं हो रहा मैम इसके लिए अभी, क्या है अभी जो हम जिस अप्रोच को लेकर चल रहे हैं ना वो अभी तक अगर मैं उसको एनालाइज करूँ तो वो टीचर एंड कॉन्टेंट सेंटर बिल्कुल क्या है, है। दुनिया में इस वक्त जो एक इंटीग्रेटेड करिकुलम का डिज़ाइन है वो वो कंटेंट एंड स्टूडेंट सेंटर है ठीक होंगे um, उसमें ज्यादातर फोकस ये रहता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इसका मतलब है कि कंटेंट स्पेसिफाइड है ठीक है राइट लेकिन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे कम्प्लीटली अपने लर्निंग प्रोसेस के अंदर डिसीजन मेकर्स भी होंगे uh, वो अपने लिए खुद एक्टिविटी चूज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स आर गिवन प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस स्टेड ऑफ गिविंग देम द क्वेश्चंस बिल्कुल उनको ऐसी प्रॉब्लम या सिचुएशन दे दी जाती है और साथ मुख्तलिफ कंटेंट एरियाज़ आइडेंटिफाई करके दे दिए जाते हैं और इसमें जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसमें हम इस तरह सब्जेक्ट वाइज क्लासरूम नहीं करते हैं hmm. uh, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को एनवायरनमेंट के टॉपिक पे एक असाइन hmm. करना चाह रही हूँ तो एन्वायरमेंट में साइंस भी शामिल है इन्वायरमेंट में सोशल स्टडीज़ hmm. भी शामिल है ठीक hmm. है इन्वायरमेंट में लैंग्वेज um, भी शामिल है एनवायरमेंट hmm. में कुछ ना कुछ फिजिक्स और मैथ्स भी शामिल है बिल्कुल cool, ठीक cool, है केमिस्ट्री भी शामिल hmm. है राइट right? इसका मतलब है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच ये कह रही है hmm. कि आप बच्चों को ऐसी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स दें hmm. कि वो मल्टीपल कंटेंट एरियाज में से गुजरें hmm. और गुजर के इस प्रॉब्लम या सिचुएशन का सोल्यूशन लेके आए तो ये ये पूरी अप्रोच अगर देखा जाए तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अच्छा अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको ये प्रोविजन देती है कि आप दो तीन सब्जेक्ट एरियाज को इकट्ठा कर रहे होते हैं इसको एक और तरीके से अगर आप देखें तो सहूलत ये हो जाती है कि आज इंग्लिश साइंस और सोशल स्टडीज की क्लास के 40 40 40 मिनट्स इकट्ठे कर दिए जाएं राइट तीनों का एक एक टॉपिक कवर होगा लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा अब जब वो डेढ़ पौने दो घंटे टीचर्स के पास हैं तो उनके लिए सहूलत ये हो जाएगी कि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस देंगे बच्चों को इंडिपेंडेंट काम करने का टाइम देंगे और आखिर में प्रेजेंटेशन टाइम भी देंगे बिल्कुल सो दैट हेल्प्स यू एक्चुअली वो जो हमें लग रहा था ना कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हुँ. इतने सारे बच्चों में फोर्टी मिनट्स के पीरियड में हुँ. कैसे होगा तो दैट दैट हेल्प्स इन इंटीग्रेटेड अप्रोच तो ये और इसमें एवेल्यूएशन सिर्फ आउटकम की नहीं है इसमें इसमें एवेल्यूशन आउटकम के साथ साथ पूरे प्रोसेस की भी है बिल्कुल ठीक है और उसको भी ग्रेड कर दिया जाता है इसमें तो आपने वो टाइम टेबल वाली चीज़ ही ख़त्म कर दी ना एग्जैक्टली exactly. और पीरियड्स वाली कि ये लेसन इतने टाइम का ये लेसन होगा और आपने उसको ज्वाइन कर लिया तो ये टीचर्स के लिए भी एक चैलेंज होगा yes. जाहरी बात है कि हमारे यहाँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का कॉन्सेप्ट है या सब्जेक्ट टीचर्स का कॉन्सेप्ट है और फिर वही बात वो कॉपरेशन अमंग द टीचर्स और कोलेबोरेशन तो ये सारी चीज़ें मिल एक करिकुलम को चलाती हैं ठीक हो गया जी अब हमने तीन तो हमने डिज़ाइंस कर लिए जिसमें टीचर सेंटर्ड था जिसका ताल्लुक बिहेवियरिज्म से था उसके बाद कॉग्नेटिजम से ताल्लुक था हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड का और कॉग्नेटिज्म से ताल्लुक कंस्ट्रक्टिविज्म से ताल्लुक था हमारा लर्नर सेंटर्ड का और फिर एक और आया इंटीग्रेटेड जिसमें हम कंटेंट सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड को मिक्स करके चलते हैं जिसमें ट्रेडिशनल क्लास का एक मॉडल जो है वो कामयाब नहीं होगा उसमें ज़रा ब्रेक आएगी और तो आ, इस मैम ये सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और सारी बातें आपने जिस तरह कहा आज... पाकिस्तान में भी जारी बात है इट्स अ डेवलपिंग कंट्री हो सब कुछ रहा है हम प्लानिंग भी करते हैं हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं हम सरमा भी लगा रहे हैं जितना हम अफोर्ड करते हैं उतना हम लगा रहे हैं और इसीलिए लगा रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर से बेहतर हो तो हमारे कॉन्टेक्स में रहते हुए आपका इतना एक्सपीरियंस है एजुकेशन की फील्ड में आप अब ये जो नए टीचर्स जा रहे हैं इस फील्ड में जो आगे हमारे इसके लिए आप इस करिकुलम डिज़ाइन और इसके बारे में क्या कहना

उसके बियॉन्ड कुछ सोच भी ना सकें समझ भी ना सकें मल्टीपल लाने की कोशिश करें क्लासरूम के अंदर लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल के ऊपर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है ऐसी चीजें क्लासरूम में लेके आए जिससे बच्चे को मल्टीपल रिसोर्स ऑफ लर्निंग मिल रहे हो और अगर हो सके तो दो तीन सब्जेक्ट टीचर्स इकट्ठे बैठ के कम से कम एक टर्म में मैं कहती हूँ कि एक दो प्रोजेक्ट बच्चों को ऐसे दें कि बच्चे मल्टीपल लर्निंग एक्सपीरियंसिस से गुजरें और जाके उसको अचीव करें और फिर इस तरह बच्चों में और सलाहियत भी तो पैदा होगी जब मिलजुल के काम करेंगे तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं टीचर्स मिलजुल के काम करेंगे उसके अपने बेनिफिट्स हैं तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये जो हमारे अब आ, हमारे स्टूडेंट्स हैं इन्होंने फ्यूचर टीचर्स बनना है तो इन्होंने अब फ्यूचर में जाके से पढ़ाने exactly. की कोशिश करनी आइसोलेशन की जरूरत नहीं है एक टीचर खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी कबूल करे, इसकी जरूरत ही नहीं है बच्चों को भी अपने साथ पार्टनर करें और टीचर्स के साथ पार्टनर करें एंड इवन इफ पॉसिबल तो पेरेंट्स को भी पार्टनर करें पेरेंट्स को बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशा हुमा आपने आज करिकुलम डिज़ाइंस के टॉपिक के ऊपर बहुत तफसीली गुफगु फरमाई और उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स भी अब मुख्तफ़ करिकुलम डिज़ाइंस के पे बहस करने के काबिल हो गए होंगे इनमें तफरीक करना करना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम का इस्तकाम करते हैं करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन का ये प्रोग्राम था कोड है एट सिक्स डबल फाइव और आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी मखलूक में आसानियाँ पैदा करने की तोफ़ी अदा करे अल्लाह हाफिज़